प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए परिवहन आदेश की कॉपी नहीं पहुंच पाने के कारण यहां यात्रियों व चालकों में दिन भर असमंजस की स्थिति बनी रही। टैक्सी स्टैंडों में आदेश को लेकर चालक व यात्री आपस में उलझते रहे। यहां बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व में आदेश जारी किया था। आदेश के तहत वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर सवारियों की संख्या आधी कर दी गई थी, जबकि किराया दोगुना कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को नया आदेश जारी करते हुए प्रदेश सरकार ने आदेश को रद्द करते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। नए आदेश के तहत अब टैक्सी चालक तय मानक के अनुसार सवारियां बिठा सकते हैं। सरकार ने बढ़ा हुआ किराया भी वापस ले लिया है। इधर सरकार का आदेश जिलों तक नहीं पहुंच पाने के कारण मंगलवार को टैक्सी स्टैंडों में यात्रियों तथा चालकों के बीच नोकझोंक देखी गई। यात्रियों व चालकों ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अगर टिकट कम हुआ है तो इन्हें क्यों नहीं बताया गया, या तो इनको पूरी सवारी भरने दो। अगर 10 सीट में पास है तो उनको 10 सवारी उनके पास जानी चाहिए, और वो नहीं तो वो ड्राइवर क्या करेगा, कहाँ से तेल डालेगा, वो भी तो है ना सवाल। अब एक तरफ से ऑर्डर दे रहे हैं कि जो है 10 सवारी भरो, दूसरी तरफ से पुलिस वाला कह रहा है कि नहीं नहीं तुम चार ही ले जाओ, तो जेब तो पैसेंजर की कट रही ना, पब्लिक की जेब कट रही हो, ऑर्डर की थोड़ी कट रही है। और ऑर्डर तो कुछ भी दे रहे हो, अब क्या करेंगे इंसान, वो तो पब्लिक की जेब तो पब्लिक की कटनी है, भली कैसे भी काट लो उसको, जेब तो पब्लिक की कटनी मैडम, कैसे भी काटो, भले उल्टे काट लो या सुलटे काट लो, उसमें फंसता पैसेंजर ही है। मैं डेली अप डाउन करता हूँ, मैं एल्टो वाला 100 रुपया लेता है, टैक्सी वाला 80 रुपया लेता है मोहन नगर से, जबकि 7 किलोमीटर है यहाँ से इस टैक्सी स्टैंड से। सवारियाँ कितनी बैठती है उसमें? अरे सवारियों का क्या लेना देना, मजबूरी में है, मैं अपने गोद में भी बिठा के ले आऊंगा, उसको भी जाना है बेचारे को। अगर फुल सवारी आती है तब जाना, फुल सवारी आती है तब भी वही रेट है, रेट में कोई कमी नहीं है। हम कांडा जा रहे हैं, पहले तो किराया 60 रुपये था, तो लॉकडाउन के दौरान किराया थोड़ा बढ़ गया था, तो ग्राहक भी थोड़े कम जा रहे थे उस टाइम पे। तो कल फोन पे मैसेज आया था कि मतलब किराया कल से कम हो जाएगा, और लोग भी वही पुराने ही तरीके से जाएंगे, तो अभी ये लोग गाड़ी वाले बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पुराना ही टिकट 200 रुपया टिकट से लेता बोल रहे थे, वो फ्रॉड है बोल रहे हैं, आप पता नहीं। TCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।